नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई पुलिस की, जिसे हत्या के 20 साल पुराने मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुंबई पुलिस ने हत्या के आरोपी को 20 साल बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रूपेश राय बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 42 साल के आसपास है। आरोपी साल 2003 में की गई हत्या के मामले में फरार चल रहा था। मुंबई पुलिस ने 2 दशक में कई बार मुंबई के अलग अलग इलाकों समेत बिहार में छापेमारी की, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगा। पिछले 20 साल से सिर्फ मुंबई की सांता क्रूज पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र की पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। आपको बता दें कि हत्या की वारदात साल 2003 में बिले पार्ले के नेस्ट होटल में हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी रूपेश राय ने दीपक राठौर नाम के व्यक्ति की होटल के रूम में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक दोनों एक साथ दिल्ली से मुंबई आए थे। मृतक दीपक मुंबई कपड़े के बिजनेस के सिलसिले में आया था। जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी के मुताबिक होटल के कमरे में रूपेश राय और दीपक राठौर खाना खा रहे थे, तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी बीच रॉय ने गुस्से में आकर चाकू उठा लिया और दीपक पर हमला कर दिया था। दीपक की हत्या करने के बाद आरोपी रूपेश राय उसके बैग में रखे 1,30,000 रुपए निकाल लिए और मौके से फरार हो गया था। तब से वह अलग अलग नाम और पहचान के साथ रह रहा था। कई जांच अधिकारियों ने वर्षों तक उसकी तलाश की। आरोपी दीपक बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। पुलिस ने वहां लगभग 16 बार छापेमारी की, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। पुलिस ने 20 साल बाद थाने के एक स्वीट मार्ट से राय को गिरफ्तार किया है। इतने सालों में आरोपी बिहार में अपने रिश्तेदारों के संपर्क में था। उसके खिलाफ दिल्ली में 2001 से पहले आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। उसने नाम बदलने के बाद गुजरात, गोवा, रांची, पुणे और भाईंदर में नौकरी की थी। पिछले कुछ वर्षों से पुलिस की टीम उसे नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि वह दूर दराज के ऐसे गांवों में रहता था जहां मोबाइल रेंज मिलना मुश्किल है। फिलहाल आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आज जो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में 2003 में एक मर्डर का गुना दाखिल हुआ था 20 साल पहले, उस गुना में दीपक राठौड़ नाम के जो आदमी थे उनका मर्डर हुआ था। 20 साल से ये तपास हमारा चल रहा था इस केस में। इस गुना में रुपेश रामनाथ राय उर्फ अतुल केडिया, इस आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है, इसकी पुलिस कस्टडी लिया है। 20 साल से ये इस केस में हमारे वांटेड था। ये मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाले हैं। वहाँ हमारी टीम तकरीबन 15 से 16 बार इस आरोपी के लिए जा चुकी है। उसके बाद ये आरोपी विभिन्न जगहों पे इन्होंने काम किया है, जिसमें गुजरात है, गोवा है, भाईंदर है, रांची है, यहाँ हर जगह इसने काम किया है। कल इसको रिसेंटली इस गुना में हमने थाने में एक स्वीट मार्ट है वहाँ पर काम करता है, वहाँ से अरेस्ट किया है और इसके अंदर हमने पुलिस कस्टडी लिया है। इस आरोपी के बारे में, इस आरोपी ने 2001 में ऑलरेडी एक आर्म्स एक्ट का केस इसके खिलाफ दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर भी वांटेड है, जिसमें इसके ऊपर NBW ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में प्रलंबित है। उसके बारे में हम दिल्ली पुलिस को भी बताएंगे। विभिन्न जगह पर ही इस आरोपी ने कहीं टूरिस्ट गाइड मदद के रूप में काम किया है, एक खदान में काम किया है, अभी ये स्वीट मार्ट पे काम कर रहा था। इस तरह से इसने अपना नाम भी पूरी तरह से चेंज कर लिया, अपना आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज कर लिया, जिससे पुलिस के सामने इसने बहुत बड़ा आह्वान था इसको पकड़ना, बट पुलिस ने यशस्वी अपना ऑपरेशन करके इसको पकड़ा है और इसमें पुलिस कस्टडी हमने लिया है।